हेलो यूट्यूब, आज हम पाइथन का एक स्ट्रिंग प्रोग्राम देखेंगे जिसमें फर्स्ट लेटर यानी ऑड इंडेक्स जो भी हो उसको, ऑड इंडेक्स में जो भी नंबर आएगा उसको हटाना या इवन इंडेक्स में जो नंबर आएगा उसको रिमूव करना देखेंगे पूरे स्ट्रिंग में से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम से आप फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं और इसको इनपुट करवाते हैं यूजर से। तो मैसेज देते हैं इंटर एनी स्ट्रिंग, मैसेज दे दिए यूजर को इनपुट करने के लिए। S1 एक और ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिए। अब इसमें क्या करना है हमें, जो यूजर इनपुट करेगा उसको, उसका जो इंडेक्सिंग होगा ऑड इंडेक्सिंग या इवन इंडेक्सिंग को सेव करके रखना है। तो सिंपल हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, क्योंकि स्ट्रिंग एक एरे होता है इसलिए 0 से काउंट करते हैं, और लेंथ ऑफ एस। सिंपल यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। पहले हम इवन इंडेक्सिंग को हटाना देखते हैं, अगर 0 होता है तब एस प्लस इक्वल टू एस प्लस एस वन होगा, चूंकि एस वन में हमें रखना है, तो एस वन प्लस इक्वल टू एस आई, उसके बाद हम प्रिंट कर देते, प्रिंट एस वन को प्रिंट करेंगे। अब सबसे पहले रन करते हैं, लिखते हैं पाइथन, देख सकते हैं ई है, वाई हट गया है, टी है, फिर एच हट गया है, ओ है, फिर एन हट गया है। इसमें हम ये अगर इंडेक्सिंग को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको यहाँ क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 अगर हो तब, और जो होगा तब देख सकते हैं पी हट गया है, वाई है, फिर टी हट गया है, एच है, फिर ओ हट गया है, एन है। इस तरह हम आसानी से एक इंडेक्स का जो ऑड इंडेक्स हो या इवन इंडेक्स हो उसके नंबर को हटा के सिंपल एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।